हेलो हेलो जैन सर, सर मैंने SMS किया था, मेरा मेडिकल हो गया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तुम्हारा मेडिकल होगा, मैंने देखा था। ओके, बहुत बहुत बधाई है तुम्हें भाई। सर 95 में था। अच्छा 95, ये गुड़गांव में था मेरा, मेरा 24 को था और 25 तक चला। अच्छा तो चौबीस, मुझे थोड़ा सा डिटेल दो कि मतलब कैसे कैसे मेडिकल तुम्हारा स्टार्ट हुआ 24 तारीख से। जी सर, पहले 24 को जो है हमारी 6:30 के समथिंग एंट्री हुई। ओके जी सर, 6:30 से एंट्री होने के बाद हमें फिर बिठा दिया गया एडमिट कार्ड। अच्छा, और अच्छा, ये बताओ, ये बताओ कि कितने बच्चे पहुँच रहे होंगे। सर जैसे एक दिन में 80 बच्चे बुलाए थे। अच्छा 80 बच्चे बुलाए थे तो उसमें समथिंग 68 पहुँचे, 68। ओके हाँ, और 68 पहुँचने के बाद हमें बिठा दिया गया, 4 ग्रुप बनाए, बोर्ड 1, बोर्ड 2, बोर्ड 3 और बोर्ड 4। ओके जी, तो ये बोर्ड बनाने के बाद फिर हमें बिठा दिया गया और फिर हमारी बायोमेट्री हुई सबकी। ओके जी, और बायोमेट्री होने के बाद हमारी, हमें मतलब एक ट्रक आया और ले जा, उसमें मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल था कोई, लैब में जांच के लिए ले गए। अच्छा लैब में लेके गए, तो लैब में मतलब क्या क्या टेस्ट हुआ तुम्हारा। लैब में सबसे पहले तो हमारा एक्सरा हुआ। ओके, चेस्ट का। हाँ चेस्ट एक्सरा हुआ, फिर यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट। ओके, तो ये बताओ कुछ चार्जेस वगैरह भी लिए थे वहाँ पे। सर हमसे कोई चार्जेस नहीं लिया। अच्छा, वो जो है बटालियन खुद कर रही है। अच्छा, फिर उसके बाद तुम्हें वापस ले आए होंगे सेंटर पे। वापस हमें सेंटर पे ले जाके एक दो फॉर्म फिलअप कराया। अच्छा ये बताओ कि कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी लग रहे हैं क्या। सर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लग रहा है, बस एक दो फोटो ले जाना है, फोटो लग रहे हैं बस। अच्छा, फोटो, आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड। जी सर। अच्छा फिर उसके बाद उस दिन कुछ हुआ कि फिर नेक्स्ट डे आपको बुलाया गया। नेक्स्ट डे हमें जब बुलाया गया फिर दोबारा से हमें एक स्लिप जो दी थी उन्होंने, स्लिप देखी और फिर दोबारा से बायोमेट्री हुई हमारी, ताकि अच्छा। कोई और बच्चा ना गया हो किसी दूसरे की जगह। ओके जी हाँ, बायोमेट्री हो रही है और बायोमेट्री होने के बाद फिर हमें एक हॉल से में बैठा दिया गया सबको। अच्छा हाँ, और सर फिर हॉल में बैठाने के बाद हमें मतलब कपड़े वपड़े सारे उतरवाए और फिर मेडिकल स्टार्ट हो गया। अच्छा तो ये बताओ कि मेडिकल में कितने डॉक्टर हैं। मेडिकल में सर 4 बोर्ड बना रहे हैं तो 4 डॉक्टर हैं। अच्छा 4 बोर्ड बना रहे हैं तो मतलब एक डॉक्टर कितने, मतलब 20 बच्चे, 20 बच्चे डॉक्टर, 20 बच्चे हैं। अच्छा एक डॉक्टर 20 बच्चों को हैंडल कर रहे हैं। जी सर। अच्छा तो ये बताओ कि तो कैसे कैसे क्या क्या जांच हुआ, थोड़ा डिटेल में बताओ। सर जांच तो आपका ये है, पहले तो हमारा मतलब वो होता है नौकनी। तो नौकनी कैसे देख रहे हैं, मतलब नौकनी पैर टचिंग में कैसे बाहर निकालने, कोई बच्चा निकला बाहर। सर मैं बताता हूँ, मेरे बोर्ड में 20 बच्चे थे। अच्छा, और 20 बच्चों में हम 4 बच्चे क्लियर हुए हैं ओनली, मतलब 16 बच्चे फेल हो गए। जी सर 16 अनफिट किए हैं। तो अनफिट हुए कैसे, मतलब किस किस चीज में रह गई। सर ऐसे कुछ नहीं बताया हमें, बाद में जब बैठा दिया गया सब मेडिकल होने के बाद तो हमें फिर बताया कि आप लोग पास हो। अच्छा जी सर। तो तुम्हें ये नहीं पता लगा कि वो बच्चे फेल क्यों हैं, मतलब क्यों उनको पॉइंट। नहीं, नहीं सर, सर ऐसे नहीं बता सकते ना, ऐसे हमें भी नहीं पता और वो भी नहीं बता सकते। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी क्या क्या चीजें जांच हुई थी। सर जांच तो लगभग सारी हुई है, बहुत अच्छे से मेडिकल हो रहा है। अच्छा ये बताओ नौकनी कैसे देखा गया, मतलब अगर किसी का पैर टच हो रहा तो दिक्कत है क्या। सर नौकनी लेटा के देखी गई है, खड़े होके नहीं देखी गई। अच्छा लेटा के देखी गई है। जी सर। ओके, तो तुम्हारी नौकनी मतलब पैर ओपन हो रहे थे जो कुछ। हाँ सर, सर वो ओपन हो रहे थे, बहुत अच्छे से करा है मेडिकल, मतलब सब कुछ एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से देखा जा रहा है इस बार। अच्छा ये बताओ जैसे नौकनी में बच्चे पैर टाइट कर लेते हैं इस प्रकार से, कुछ मतलब वो कुछ नहीं कर रहे सर थे? वो हाँ मार के देखते हैं ना पैर पे, जांग पे से टाइट कर लेते हैं जैसे लड़के। हाँ हाँ, तो देखते हैं। हाँ वो मार के देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ नौकनी के अलावा फिर और क्या क्या हुआ तुम्हारा। नौकनी के बाद फिर फ्लैट फुट कैसे देख रहे हैं, मतलब पानी में चलवा रहे हैं, कैसे चलवा रहे हैं। वो पानी में नहीं चलवा रहे, ऐसे ऊपर से पैर पकड़ के और दिखाना है। अच्छा हाँ, दोनों पैर का। अच्छा और ये बताओ कि
जैसे कि आईज वगैरह चेक हुआ? हाँ सर, आईज वगैरह मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि हर एक पॉइंट बहुत बारीकी से देखा गया इस बार। अच्छा, तो आईज में कैसे चेक हुआ, मतलब वो चार्ट पढ़वा के देखा क्या? आईज में चार्ट भी पढ़वा के देखा है और टॉर्च मार के देख रहे थे। अच्छा, तो आईज तुम्हारी कैसे मतलब बच्चों किस तरीके से 6.6, 6.9 कुछ बताया वहाँ पे किस तरीके से निकाल रहे? नहीं, ऐसे कुछ नहीं बताया सर, केवल लिख रहे थे, जिसको पॉइंट था वो अपने हिसाब से पॉइंट दे रहे थे, जिसको नहीं था वो नहीं दे रहे थे, लेकिन किसी को बताया नहीं है। अच्छा, और ये बताओ दांत वगैरह टीथ वगैरह देखे गए? हाँ, टीथ सर पूरे टीथ देखे गए हैं और मतलब साफ होने की बिल्कुल साफ सुथरे। अच्छा, और किसी को ऐसा नहीं हो? तुम्हारे टीथ वगैरह पूरे थे? हाँ पूरे थे सर, टीथ तो सबके लगभग। अच्छा, और ये है कि पॉइंट का सर पता नहीं चला कि किसको क्या पॉइंट दिया है, वो जो मतलब अनफिट थे वो उन्हें ही पता होगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो अनफिट हुए उन्हें पता होगी हमें किस चीज़ में मतलब। जी सर जी। और क्या क्या हुआ था, मतलब आई और वेरिकोज वैनी वो नशे वगैरह? हाँ हाँ, वो सारी नशे देखी गई है, वो जंप करा रहे थे। अच्छा, जंप करवा और जंप कम से कम 10-12 मिनट कराया जंप, और 10-12 मिनट करा के फिर पंजों पे खड़ा कराया, और सारी नशे वगैरह देखी गई है सर। अच्छा, और जैसे कि और टैटू वगैरह का भी कुछ इशू बन रहा था? हाँ सर, टैटू देख रहे थे और टैटू का बताया नहीं किसको निकालने किसको नहीं, पर मेरे बैच में लगभग किसी को टैटू नहीं था। अच्छा जी। और इसके अलावा कुछ और? फिर सर बस सब कुछ बहुत प्राइवेट पार्ट वगैरह चेक की? हाँ सर, प्राइवेट पार्ट भी देखे जा रहे थे बहुत अच्छे से, मतलब सब कुछ क्लियर होना चाहिए था। और ये ईयर वगैरह कान और कान बांध में सर जो एक मशीन होती है उसको कान के अंदर डालते हैं, उसमें देखते हैं। अच्छा, और नोज वगैरह नाक की कुछ देखा कुछ हड्डी वड्डी कुछ? हाँ सर, DNS वगैरह जिसको था उसको भी पॉइंट मिला होगा। अच्छा, मतलब ये सारी चीजें चेक हुई हैं कहने का मतलब। और किसी को ऑपरेशन मतलब ऐसा होता है ना, कट वट लग जाता है, कुछ ऑपरेशन वगैरह होते हैं जैसे हर्निया वर्निया इस तरह की कुछ चीजें होती? हाँ सर, वो वो सब चेक हुआ होगा? हाँ सर, वो चेक हो रहा था सब। अच्छा, ये तो गला वाला भी चेक हुआ? गला चेक करके देखा क्या? जी सर, गला चेक हो रहा था, गले की जो साइडों की नसें होती है ना वो चेक हो रही थी। अच्छा, और कुछ आवाज वगैरह निकालने के लिए बोलने के लिए कुछ ऐसी चीजें नहीं बोला गया कुछ? नहीं सर, वो खांसने के लिए बोल रहे थे ओनली, साइड में गर्दन करके। अच्छा जी। और ईयर वगैरह के लिए कैसे, मतलब सिर्फ तार से देखा गया कि कुछ वॉल्यूम वगैरह सुनवाई गई कुछ ऐसा? सर वो बिल्कुल मशीन अंदर डाल के और पास में देख रहे थे जो सर थे हमारे। अच्छा, ये समझ लीजिएगा बहुत मतलब बारीकी से देख रहे थे, लेकिन जो फिट है सर वो उसको तो कोई निकाल नहीं सकता। अच्छा, ये बताओ कैरी एंगल वगैरह ये सब देखा गया तो तुम्हारा? हाँ सर, वो भी देखा जा रहा था। अच्छा, वो कैसे हाथ को सीधा करके देखा गया होगा? हाथ को सीधा करके, और जैसे किसी का हाथ टूटा वगैरह ना हो। हाँ। और मतलब उस पे वो डाल के वो पैमाना था स्केल। अच्छा अच्छा, ये बताओ फिंगर वगैरह देखे होंगे? हाँ सर, फिंगर वगैरह सब कुछ देखने गए थे, मतलब बहुत ज्यादा बारीकी से चल रहा था मेडिकल, और बैच मतलब जो चेक कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, एक एक चीज बता रहे हैं कि बेटा ऐसे करो ऐसे करो, बहुत बढ़िया है। अब क्या, अच्छा यार बताओ, तुम कह रहे हो कि मेरे चार बच्चे पास हो रहे हो, तो 16 बच्चे मेडिकल में निकल गए, तो मैं तो इसे बहुत ही टाइट मेडिकल बोलूंगा। सर मैं क्या कह रहा हूँ आप एक बात समझ लीजिएगा, मतलब जैसे जो फिट है वो तो फिट ही रहेगा ना, उसको तो कोई निकाल ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल। अब मतलब कहने का मतलब ये, किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो उसे जरूर पॉइंट दिया गया मेरा। हाँ जी सर, सर बिल्कुल, कहीं भी उनको छूट नहीं दिए, मतलब रिलीफ नहीं दिया गया। हाँ बिल्कुल सर। और सर अब क्या है, ये तो देखो फौज है, हर चीज बिल्कुल क्लियर चाहिए उनको, तो तभी तो भर्ती करेंगे वो लोग। एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चे ज्यादा बुलाए गए ना, बच्चे जब इक्वल बुलाए जाते हैं ना, जैसे कि अपनी और 110 बच्चे बुलाए गए तो थोड़ा सा बच्चों को रिलीफ दिया जाता है। अभी क्या है कि बिल्कुल 3 गुना बच्चे बुलाए गए तो बच्चों को बिल्कुल ही छांट दिया जा रहा है, एकदम छोटे 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 पॉइंट पे बिल्कुल बाहर कर रहे हैं। जी सर। अच्छा ये बताओ कि पास होने के बाद तुम्हें कुछ दिया गया? नहीं सर, पास होने वाले को कुछ भी नहीं दिया गया, फेल होने वाले को मतलब कोई स्लिप वगैरह मिली होगी हमें तो नहीं पता। हाँ, पर हमें पहले ही भेज दिया था। अच्छा, कितना समय दे रहे हैं पता है मेडिकल के लिए? सर ऐसे भी मेरे को नहीं पता, क्योंकि हम तो मतलब हमें तो पता नहीं है, हमें तो पहले ही भेज दिया था। चलो तुम पास हो गए उसी में। जी सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी तुम्हें दी तुमने, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और घर पहुँच गए हो? हाँ सर, मैं घर के लिए निकल रहा हूँ अभी तो।
चलो चलो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, घर पहुंचो और वेट करो अपने फाइनल रिजल्ट का, और मैं चाहूंगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। साहब मैं आपकी वीडियो देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है मुझे भी बहुत। बिल्कुल, मैं तुम्हारे सुनी लोगों के लिए मतलब कुछ करना चाहता हूँ कि भाई तुम लोग सिलेक्शन हो, बस इससे ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। साहब बहुत दिनों से बात करना चाह रहा था मैं भी आपसे, पर आज समय मिला मुझे। चलो समय भी मिला और अच्छा समय मिला, बहुत अच्छी जानकारी दी तुमने बच्चों को। जी सर।